हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, ठीक है। तो उसी खबर के बारे में बात करें जिसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज आई है, जिसमें सिलेबस को यहाँ पर छोटा करने का यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा डिटेल से इस वीडियो में खबर को बताएंगे ताकि आपको मालूम चले और आपका सिलेबस मतलब छोटा होगा या फिर वही रहेगा, क्या बदलाव होगा उसमें, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारा जानकारी आपको मालूम चले। तो देख सकते हैं कक्षा एक से लेकर 12 तक के सिलेबस होगा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि वन क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास का यहाँ पर सिलेबस छोटा हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए क्या डिटेल है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जी यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए कोरोना संक्रमण काल में पिछले 3 महीने से जिले भर में शैक्षणिक संस्थान बंद है, ठीक है। निजी विद्यालयों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 2 महीने तक लॉकडाउन और अब अनलॉक फेज एक भी हम एक में भी यहाँ पर स्कूल खोलने पर सहमति नहीं बन रही है, ठीक है। बच्चों में संक्रमण ज़्यादा फैलने की आशंका से तमाम स्कूल प्रबंधनों ने भी अभी स्कूल खोलने की सलाह नहीं दी है। मतलब अभी सभी यही बोल रहे हैं कि अभी स्कूल को ना खोला जाए, ठीक है। हाल ही में विभाग द्वारा स्कूल को खोलने को लेकर मांगे सुझाव में दिया हुआ है। लगभग यहाँ पर करीब 400 से अधिक लोगों ने सुझाव भेजा है और इसी बीच सरकार ने जो है शैक्षणिक सत्र को भी प्रभावित जो हो रहा है, शैक्षणिक जो कॉलेज बंद है मतलब के स्कूल ये सब सारा चीज़ बंद है, उससे यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। तो जिससे यहाँ पर तो उसी जो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसी लिए यहाँ पर जो सरकार चाह रही है कि जो सत्र है जो स्कूल में टोटल वहाँ पर वो प्रभावित ना हो, जिससे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए कक्षा एक से 12 तक के सिलेबस को छोटा करने या सीमित करने पर विचार यहाँ पर कर रही है, ठीक है। इसके लिए भी विभागीय अधिकारियों से राय मांगी गई है। कोर्स इस तरह से छोटा किया जाएगा कि ताकि पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदुओं को नहीं छोड़ा जाए, ठीक है, नहीं छोड़ा जा सके। पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए विभाग ने NCERT व SCERT से मार्गदर्शन ले रही है और SCERT इसे ले कई चरण में सिलेबस को कम करने के लिए हम समिति के लिए सुझाव दिए है, ठीक है। और वहीं अभी NCERT से मांगे गए सुझाव लंबित है, मतलब अभी SCERT जो है अपना सुझाव दे दिए हैं और NCERT से अभी सुझाव आना बाकी है, ठीक है, वही यहाँ पर कहने का मतलब है। और देखिए NCERT खुद सिलेबस कम करने पर विचार कर रही है, ठीक है। तो NCERT भी यहाँ पर सिलेबस कम करने पर विचार कर रही है और SCERT जो SCERT है तो इसे यहाँ पर कई चरण में सिलेबस कम करने के लिए समिति को सुझाव यहाँ पर भेज दिए गए। तो दोस्तों इसे रिलेटेड देखिए, अब इसके बाद आपका क्या सिलेबस होगा उसके लिए तो अलग से नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा और सारे विचार हो जाता है तो, ठीक है। और स्कूल अगर नहीं खुल पाता टाइम पर अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि सिलेबस यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए ताकि पल पल का अपडेट आपको यहाँ पर क्लास वन से लेकर ट्वेल्थ तक के सिलेबस के बारे में आपको मिलता रहे।